इस मूवी को देखने के बाद तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मूवी में जो हुआ वो सही था या गलत। मेरे हिसाब से तो किसी भी एंगल से सही नहीं था, क्योंकि किसी इंसान को फेमस होने के लिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मूवी का नाम है परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर, जिसमें एक लड़का परफ्यूम बनाने के लिए इस हद तक जा सकता है जिसके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उस लड़के के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर की किसी भी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सूंघ सकता है, और वो इस दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे बेस्ट परफ्यूम बनाने वाला बनना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, फिर वो सही हो या गलत। इस लड़के की नाक इतनी तेज है कि वो आसानी से किसी इंसान की स्मेल को भी सूंघ सकता है, और वो एक लड़का है तो मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसकी स्मेल को सूंघेगा, और शायद तुमने सही गेस किया है, एक लड़की। अब वो लड़का ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता है जिसे आज तक किसी ने बनाया ही ना हो, जिसके लिए वो खूबसूरत लड़कियों को अगवा करता है जिनकी स्मेल से वो एक परफ्यूम बना सके, जिसके लिए वो बहुत सारी लड़कियों का मर्डर भी करता है। एक ऐसी लड़की जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उस लड़के की नाक तो बहुत ही ज्यादा तेज थी, तो वो उस लड़की की स्मेल को सूंघ लेता है, उसके बाद उसका अपहरण कर लेता है, और उसकी जो स्मेल होती है उससे वो परफ्यूम बनाता है। परफ्यूम बनाने से पहले वो उस लड़की को मार देता है, और शायद अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस तरीके से परफ्यूम बनाना पॉसिबल कैसे। इस काम को अंजाम देने के लिए वो लड़का उस लड़की की पूरी बॉडी पर एक व्हाइट लिक्विड लगा देता है, जो लिक्विड उस लड़की की पूरी महक होती है उसको अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, फिर उस लिक्विड के अंदर वो लड़का कुछ रसायन मिलाता है जिसकी वजह से लास्ट में जो उसकी जो प्रोसेस होती है, फिर इतनी छोटी सी डिबिया में जो लास्ट का जो रसायन उसका बचता है उसको इकट्ठा कर लेता है, जो हो जाता है परफ्यूम, जिसके अंदर उस लड़की की जो महक होती है वो आती है। लेकिन लड़की तो मर जाती है ना, तो ये किस एंगल से सही है? अब वो कैसा परफ्यूम बनाता है, उसका ये काम कितने टाइम तक चलता है, और वो परफ्यूम बनाने के लिए कितनी लड़कियों को मारता है, और लास्ट में वो पकड़ा जाता है या नहीं, वो तुम इस मूवी में देखना। और हाँ, ये मूवी टोटली 18 प्लस है, इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा अडल्ट सीन है, तो इसको अकेले में ही देखना। मूवी का नाम मत भूलना, परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर, जो 2006 में रिलीज हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।